ये सीन हो चुका है यहाँ पे, रूम्स नहीं दे रहे हैं हमें। कूद क्यों दिखाए एक बार भाई, पानी वेस्ट नहीं करता यहाँ पे आके। तुम लोग पानी वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे ना आके। बीमार ना पड़ जाए, ये डर है। बर्फ का पानी है। जितना सोचा था कि काफी अच्छा होगा सारा, बट वैसा लग नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पे इन बंदों ने मना कर दिया, और हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी दो रूम की, और यहाँ पे आके ये बोल रहे हैं कि आपकी बुकिंग नहीं है, और एक रूम दे रहे हैं, और एक रूम में हम बोले एडजस्ट कर लेंगे, बट ये मान नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि 2500 रुपये लेंगे एक रूम के। तो यहाँ पे आके चेक करा हमने, तो ये बोल रहे हैं होटल वाले कि हमने रूम और किसी को दे दिया, बट हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, सब कुछ था, और अब ये बोल रहे हैं कि एक ही रूम मिलेगा आपको। तो ये नाइंसाफी है हमारे साथ, और कह रहे हैं कि अगर आप एक रूम में रुक जाओ और इसके 2500 रुपये देने होंगे। दो रूम की बुकिंग थी, और अब हमें बोल रहे हैं ये कि आपको एक ही रूम लेना पड़ेगा। तो ये होटल का नाम है, अगर आप बुकिंग करके आते हो तो कंफर्मेशन करके आना, क्योंकि यहाँ पे आके और कुछ है और ऑनलाइन और कुछ है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, बट इन्होंने मना कर दिया कि रूम्स अवेलेबल नहीं है। ये सीन हो चुका है यहाँ पे, रूम्स नहीं दे रहे हैं हमें। तो कोई भी आ रहा है बुकिंग करके तो अपनी चेक करके आना, और ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो और कुछ हो रहा है, और हमने पे करा था ऑनलाइन, बट ये मना कर रहे हैं और रिफंड भी नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो अभी हम हैं देहरादून, हमारा रैंडम प्लान था घूमने का, और एक दिन का ट्रिप है हमारा। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है, फिलहाल अभी हमें भी नहीं पता, तो चलते हैं कवर करते हैं देहरादून। और कहाँ जाएंगे विष्णु? तो प्लान है हमारा भी सस्त धारा जाना, और दिखाते हैं कि सस्त धारा देहरादून में कैसा है और कैसा दिखता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, और लेट्स सी, बने रहना ब्लॉग में, पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ। तो गाइज, मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 7:30, और हम फिलहाल उठ चुके थे 6 बजे, जल्दी फ्रेश हुए, नहाए धोए, नहाए तो नहीं है, जाके वहाँ नहाएंगे, और अभी कर रहे हैं गाड़ी साफ, फिर निकलते हैं सस धारा की तरफ, और सस धारा देखते हैं कि कैसा दिखता है सस धारा। मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, इसका भी फर्स्ट टाइम है, मतलब कि सबका ही फर्स्ट टाइम है सस धारा। इसका 8वीं बार है, इसका 8वीं बार है। बोले बोला, मतलब कि कोई प्लान नहीं था, ये रैंडम प्लान बना है हमारा देहरादून का, और सस धारा जाएंगे अभी। ड्राइवर है अंकित, चले फिर है अठारह। तो गाइस, ये होटल है, देख लो आप, जेपी हाउस स्टे गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे हमने रूम लिया था, रूम मतलब कि काफी सस्ता ही था, मतलब कि 800 रुपये में वन डे का मिल जाएगा आपको। तो अगर कोई आ रहा है तो आप पीछे मेरे देख रहे होगे बोर्ड, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, और मतलब रूम भी ठीक ठाक ही है, मतलब कि कम बजट में, और आप स्टे कर सकते हो यहाँ पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं सस धारा, तो अभी चलते हैं नीचे। और यहाँ पे कार पार्किंग में बताऊँ ना, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है, कार पार्किंग की रेट है 200 रुपये, मतलब पूरे दिन खड़ी कर सकते हो। तो हमने पर्ची ले ली है कार पार्किंग की, तो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो चलते हैं नीचे, चल के देखते हैं ऐसा क्या है सस धारा करते हैं लोग। तो कार पार्किंग ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कार पार्किंग गेट बंद नहीं करना आता है, कार पार्किंग ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अश्विनी, इतनी देर दिल्ली में कार पार्किंग जितनी तो यहाँ पे दी हमने। दो सौ रुपए मतलब पूरे दिन के 200 रुपए लिए हैं ये सस धारा। चलते हैं वहां तक जाएंगे अभी, तो नीचे चल के दिखाते हैं आपको ये कैसा है सस धारा कर रहे थे बहुत दिनों से। तो आज फाइनली हम आ चुके हैं सस धारा, तो बने रहना एंड तक ब्लॉग में, मजे आने वाले हैं आप सभी को। तो अभी आप ऊपर से ऐसा देख लो, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ की कार पार्किंग है। गाइस सही बताओ ना, कार पार्किंग 200 रुपये यार काफी ज्यादा है, बंदा मैक्सिमम यहाँ पे 2-3 घंटे ही रुकेगा, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा। और कार पार्किंग अब 200 रुपये दे रहे हो, इतनी तो यार और कहीं पे। चलते हैं नीचे और दिखाते हैं सस धारा आपको। यहाँ पे है क्या दिया यहाँ?
यार कोई जानवर वानवर हो तो उसको दे देना। तो थोड़ी सी ट्रैकिंग है गाइस, तो ऐसे करिए यहाँ से हम जाएंगे अभी नीचे, तो अभी हमें वहां तक जाना है। तो अगर प्लान हुआ नहाने का तो नहा लेंगे, और प्लान नहीं हुआ तो नहीं नहाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, और पानी काफी साफ ही है। एक्चुअल तो नीचे जाके पास लगेगी पानी कैसा है, तो चलते हैं नीचे और कवर करते हैं नीचे चल के ससधारा। मतलब कि जितना सोचा था कि काफी अच्छा होगा ससधारा, बट वैसा लग नहीं रहा है मुझे। तो नीचे जाके लेने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा दिखता है और क्या कुछ है यहाँ पे। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग नहा रहे हैं, नहा रहे हैं सब लोग। तो चलते हैं और हम भी ट्राई करते हैं। पानी तो काफ़ी ठंडा पाएगा क्योंकि सुबह सुबह आए हुए हैं, और अभी बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं। तो हम आ चुके थे, मतलब कि सुबह 6 बजे उठ गए थे जल्दी 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 रेडी रेडी, तो मतलब क्या ही हुए हैं, मतलब कि कपड़े पहने और आ गए हम। तो नीचे चल के देखते हैं, और नहाओगे तुम लोग? हैं? नहीं नहाने आए हो? कपड़े तो लाए नहीं हो? कपड़े लाया? तू नहीं लाया? मैं तो नहीं लेके आया भाई कपड़े, मैं तो नहीं लाऊंगा। तू भी ना आया अक्का? पानी तो यार गाइस मतलब कि काफी साफ है, मतलब कि नीचे तक, मतलब कि हाँ भाई पानी साफ है, क्योंकि पानी इसलिए साफ है क्योंकि चलता पानी, और चलता पानी हमेशा साफ ही होता है। भाई चलते हैं नहाने, कपड़े चेंज करता हूँ और मारता हूँ डुबकी। तो आप सनमैटिक देख लेना, टाइम लैप्स डाल रहा हूँ मैं, आप सब देख लेना। क्या सनमैटिक? फोन कर ले उसको। किसको? यार कहाँ गया वो? अरे वो फ्रेश होने गया है ना। अक्का आ जाऊँ? है पानी कैसा है? पानी एकदम वो है, सब मतलब ठंडा है ना? चेंज और जाते हैं नहाने। जाब ये चश्मा दे। पानी काफी ज्यादा ठंडा है, और मैं तो अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो पानी मतलब कि अभी जाऊंगा नीचे, पर पानी मतलब कि बहुत ठंडा पानी है, चिल्ड बिल्कुल चिल्ड, बर्फ का पानी नीचे आ रहा है, और अभी हम बैठे हैं, बीमार ना पड़ जाए, ये डर है। बर्फ का पानी है, बर्फ का पानी है, बर्फ का पानी है, और क्या लगी। फाइनली गाइस आप जाके थोड़ा मतलब कि अच्छा महसूस हो रहा है, पानी तो ठंडा है, बस एक बार आपको पानी लगेगा ठंडा, बट नॉर्मल हो जाएगा फिर बाद में, इस पता नहीं चल रहा टाइम। ओहे सुमित ऊपर से कूदेगा, ऊपर से कूदेगा, कूद क्यों दिखाए एक बार, कूदे कूद क्यों दिखाए एक बार, पानी वेस्ट नहीं करता यहाँ पे आके। तुम लोग पानी वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ना इतना कूद के दिखाना, कूद वे चोपड़ा कूद तो, अरे कूद एक बार कूद, अरे तेरे घर वालों को नहीं बताऊंगा कि तू पानी में कूदा है। तो गाइस सामने आपको दिख रहा होगा ये एंट्री गेट है गुच्चू पानी के अंदर,